सीखा, तो आओ हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ध्वनियाँ किसी ना किसी वस्तु की मदद से उत्पन्न होती है। हमारी मुख से भी कई तरह की ध्वनियाँ निकलती है। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के टुकड़े हम नहीं कर सकते। सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, यानी यह भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। यही भाषा का आधार है। वर्णमाला में दो प्रकार है। वर्ण के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त हमने दो अयोगवा, दो अतिरिक्त वर्ण, चार संयुक्त वर्ण भी सीखे। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 11 है, तब जबकि व्यंजन 33 है और दो अयोगवा, दो अतिरिक्त वर्ण और चार संयुक्त वर्णों को मिला के हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 होती है। बच्चों अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे जो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। जिनके नाम का पहला अक्षर स्वर हो उस चित्र के नीचे बने गोले पर सही का निशान लगाइए। अभी यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उनको क्या करना है आपको, जो इस चित्र का पहला वर्ण है जो स्वर से शुरू होता है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो ये पहला चित्र है ईक, तो ई वो स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सही का निशान आएगा। बाद में है आग, तो आ भी स्वर वर्ण है, तो इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। बाद में है कमल, तो क है ये तो व्यंजन वर्ण है, तो इस पे हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। ये है इमली, ई यानी स्वर वर्ण, तो यहाँ पे सही का निशान हम लगाएंगे। फिर है टमाटर, टमाटर यानी व्यंजन वर्ण, तो इस पर सही का निशान नहीं आएगा। फिर है आम, आम यानी आ से शुरू होता है वो स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। बाद में है दूसरा क्वेश्चन, चित्रों के नाम के शुरू की आवाज पर गोला बनाइए। यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं, तो जो चित्र का नाम पहला वर्ण है उस पे हमें गोला लगाना है। ये है हवाई जहाज, तो यहाँ पे द और ह है, तो हम चित्र का पहला शब्द का कौन सा था, ह, तो हमें ह पे गोला लगाना है। फिर है कमल, तो कमल का पहला वर्ण कौन सा है, क, तो यहाँ दो है फ और क, तो हमें क पे गोला लगाना है। बाद में है गीतार, तो गीतार का पहला वर्ण है ग, तो यहाँ दिया है ग और न, तो हमें ग पे गोला लगाना है। बाद में है बतख, तो ब वर्ण कहाँ से शुरू होता है, ब से, तो यहाँ पे ब और व है, तो हमें ब पे गोला लगाना है। बाद में है तीसरा क्वेश्चन, चित्र देखकर सही व्यंजन वर्ण से शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं, तो हमें व्यंजन वर्ण को लिखकर ये चित्र के नाम को हमें पूरा करना है। ये है पहला चित्र है परी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प, तो क्या शब्द बनता है, परी। फिर है कलश, तो यहाँ पे क तो दिया हुआ है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, ल, कलश। बाद में है मछली, मछली तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, म, तो क्या बनता है, म छ ली। फिर है तितली, तो ती त ली, तो यहाँ पे त लगाएंगे तो तितली शब्द बनेगा। फिर है फूल, फूल तो यहाँ पे फूल लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखना है हमें, ल, तो क्या शब्द बनता है, फूल। फिर है कछुआ, तो यहाँ पे छू और आ तो लिखा हुआ है, तो हमें आगे क्या लिखना है,
तो क्या बनेगा, कछुआ। देखो बच्चों यहाँ पे सेब का चित्र है, तो यहाँ पे से तो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, से ब, ब लिखेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा। फिर है रेलगाड़ी, तो यहाँ पे रे लिखा हुआ है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ल, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, रेलगाड़ी। फिर है मुर्गी, तो यहाँ पे मु लिखा हुआ है, तो बीच में कौन सा शब्द बने आएगा, र, तो मुर्गी। फिर है कमल, तो यहाँ पे क तो लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखना है हमें, म, तो क्या बनेगा, कमल। फिर है पतंग, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प। फिर है गमला, तो यहाँ पे ग लिखेंगे तो पूरा शब्द गमला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्स में स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों मिले हुए हैं, उन्हें अलग अलग कॉलम में लिखिए। यहाँ पे स्वर की कॉलम है और यहाँ पे व्यंजन की कॉलम है, और यहाँ इस बॉक्स में स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण दिए गए हैं, तो आपको उनको अलग अलग तार के लिखना है। तो पहला है आ, तो स्वर है आ, स्वर है तो ये यहाँ लिखना है। फिर है क, तो क है वो व्यंजन वर्ण है, तो आपको यहाँ लिखना है। फिर है ए, ए स्वर वर्ण है, तो आपको यहाँ लिखना है। रू, तो रू भी स्वर वर्ण है, तो आपको यहाँ लिखना है। ख, ख है व्यंजन वर्ण, तो आपको व्यंजन वर्ण में लिखना है। फिर है म, म भी व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन के कॉलम में आएगा। ल भी व्यंजन वर्ण है, तो वो भी व्यंजन के कॉलम में आएगा। फिर है उ, तो उ स्वर वर्ण है, तो स्वर की कॉलम में आएगा। फिर है ऐ, ऐ वो है स्वर वर्ण, तो स्वर की कॉलम में आएगा। फिर है च, तो च है वो व्यंजन कॉलम में आएगा, क्योंकि वो व्यंजन वर्ण है। फिर है प, प भी स्वर व्यंजन वर्ण में आएगा, तो वो यहाँ व्यंजन के कॉलम में लिखेंगे। फिर है ई, वो स्वर के कॉलम में आएगा। फिर है य, य है व्यंजन वर्ण, तो वो व्यंजन के कॉलम में आएगा। फिर है ओ और औ, ये दोनों स्वर वर्ण है, तो ये दोनों स्वर के कॉलम में आएगा। फिर है व वर्ण, तो व व्यंजन वर्ण है, तो वो व्यंजन के कॉलम में आएगा। फिर है ज्ञ, ज्ञ वो है व्यंजन के कॉलम में आएगा, क्योंकि वो व्यंजन वर्ण है। फिर है अ, अ स्वर वर्ण है, तो स्वर के कॉलम में आएगा। फिर है रचनात्मक क्रियाकलाप, टोकरी में स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इनमें से व्यंजन छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पे टोकरी दिख रही है आपको, उसमें सारे व्यंजन वर्ण है, तो आपको यहाँ पे खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, उनको आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है चलो देखते हैं। ये है क, क के बाद क्या आता है, ख, तो यहाँ पे ख लिखना है। ख के बाद ग, ग के बाद क्या आता है, ग, तो यहाँ पे ग लिखना है। और ये है ड, फिर है च, छ के पहले क्या आता है, च, यहाँ टोकरी में च दिया गया है, तो आपको ऊपर से ढूंढ के यहाँ लिखना है। फिर आता है छ, ज, फिर है ज, झंडा का ज, वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है न्य, फिर है ट, ठ, तो यहाँ आएगा ड, ड अण, त, थ, थ के बाद द, फिर आता है द, न, प, फ, ब, ब, फिर आता है म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। वैसे ही आपको भी घर पे ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, जो भी चित्र आपको, जो भी चित्र वाले क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये
ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है।